Good morning, dear student. I am your mathematics teacher. And dear student, as you know, today is time of our mathematics books. So today we sort out our mathematics question. Let's. Dear student, आज हम हमारी exercise third का D section करेंगे, यानी exercise third D करेंगे. इससे पहले हमने हमारी exercise 3A, B, C कर चुके थे. आज हम D section करेंगे. Dear student, इस exercise में हमें subtraction करना है. जैसे कि हमारा topic क्या चल रहा था, subtraction. आज हम subtraction करेंगे. तो question देखते हैं. सबसे पहले find the difference and check the answer in your notebook. सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके बीच में difference पता करना है. और डिफरेंस हमारा सही है या गलत है ये हमें नोटबुक में चेक करना है. तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि डिफरेंस चेक कैसे किया जाता है. डियर स्टूडेंट, ये आज हमारा क्वेश्चन था. हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस पता करना है. डिफरेंस पता करने के बाद में हमें इनमें डिफरेंस कितना है चेक करना था. देखिए, सबसे पहले नॉर्मल जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वो करेंगे. हमें सिक्स में से फाइव लेफ्ट करना है. तो सिक्स में से फाइव लेफ्ट करते हैं तो कितना लेफ्ट होता है, वन. तो हमने वन लिखा. फिर एट में से फोर निकालना है तो कितना हुआ, फोर. फिर वन में से थ्री, तो वन में से थ्री हो नहीं सकता तो क्या करेगा, वन कैरी लेगा. तो वन थ्री से कैरी लेगा तो वन में, अगर वन अगर थ्री से वन कैरी लेता तो कितना हो गया, इलेवन. इलेवन में से थ्री लेस करते तो कितना बचता है, इलेवन में से थ्री लेस करते तो हमारे लेफ्ट रहते हैं आठ, सॉरी एट. अब ये कितना हो गया, ये हमारा थ्री था लेकिन इसने वन कैरी देने के बाद में कितना हो गया, टू हो गया. टू में से वन लेफ्ट करते तो कितना होता है, वन. तो ये हमारा आंसर आ गया. अब इस आंसर को चेक कैसे करना है, तो डियर स्टूडेंट, इस आंसर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो चेक कैसे किया जाता है. आपका जो नीचे का नंबर है, यानी जो कम डिजिट है, उसको हम यहाँ लिखेंगे. तो लिखा हमने जो नीचे की डिजिट, हमेशा क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्शन एडिशन में, नीचे कौन से नंबर लिखते हैं, जिनकी डिजिट के मार्क्स कम होते हैं, फिर जिनके वैल्यू कम होती है वो लिखते हैं. तो देखिए यहाँ ये छोटे वाले नंबर हैं, इनकी वैल्यू कम है, तो इनको यहाँ लिखा हमने, यानी जिसकी वैल्यू कम होती है वो नीचे लिखा जाता है. और जो आपका आंसर आया था वो इसमें ऐड कर दो. देखिए ऐड करते हैं तो क्या होता है, सिक्स एट इलेवन थ्री. तो आपका आंसर आ चुका है ये. तो यही आपका आंसर है. इसका मतलब हमने हमारा सब्ट्रैक्शन था वो हमने राइट किया. ये चेक करने का सिस्टम होता है, इसे आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बी. आपको क्या करना, फोर था फोर फाइव सेवन थ्री में आपको लेफ्ट करना, टू फोर एट सिक्स, इनको लेफ्ट करना है. लेफ्ट करने के बाद में जो आपका आंसर आता है वो आपको इसके साथ में ऐड कर देना है. ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा. सी सेक्शन देखिए, सी क्वेश्चन देखिए. आपका डिजिट देखिए, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, जिसकी वैल्यू कम होती है उसको नीचे रखते हैं. तो फाइव थ्री वन जीरो ये ऊपर रखेंगे, ए वन एट फोर जीरो ये क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे. क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है. इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने के बाद में आपके जो मार्क्स आते हैं, सॉरी जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू को आप जो कम वैल्यू वाले नंबर है उसके साथ आप ऐड कर दोगे. तो आपका आंसर जो है सही है या गलत आप चेकआउट कर सकते हैं. डी सेक्शन में, डी में देखिए, डी में टू वन फोर थ्री, इसको इसमें से क्या लेफ्ट करना है, वन थ्री एट टू, इसको लेफ्ट करना है. तो लेफ्ट करने के बाद में आपका जो नंबर आता है या जितनी वैल्यू आपकी आती है उसको आप इस वैल्यू के साथ में ऐड कर देंगे. सेम प्रोसीजर सभी में ये चलेगा, ई में, एफ, जी, एच, आई, सभी में क्या सेम प्रोसीजर चलेगा. एक क्वेश्चन मैंने आपको करके समझा दिया. यही आपका आज का क्वेश्चन है, यानी आपको एक्सरसाइज डी में एक क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है. बाकी के क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में खुद से सॉर्ट आउट करने हैं. आगे देखिए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज ई, यानी कि डी करने के बाद में हम हमारी एक्सरसाइज ई को करेंगे. तो देखिए ई में क्या करना है. अब देखिए बच्चों, अपना टॉपिक क्या चल रहा है, अपना टॉपिक चल रहा है सब्ट्रैक्शन. अब हमें मोस्ट ऑफ देम सारे क्वेश्चन किसके करने हैं, सब्ट्रैक्शन के. लेकिन हमें चेक भी करना है साथ साथ में कि हमारे सब्ट्रैक्शन सही है या गलत है. तो ई में देखिए क्या करना है, इन ए स्कूल देर आर 19575 स्टूडेंट, अमंग देन 898 आर गर्ल्स, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ बॉयज इन द स्कूल. स्कूल है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट 1975, उसमें से गर्ल्स कितनी है, 898 गर्ल्स है. अब हमें फाइंड करना है बॉयज़ कितने, यानी टोटल स्टूडेंट. जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इक्वल होते हैं, यानी दोनों को ही साथ में स्टूडेंट्स कहा जाता है. तो स्टूडेंट तो इतने हैं जिसमें से गर्ल है 898. अब हमें बॉयज़ को कैलकुलेट करना है. तो ये क्या बच्चों, ये हमें वर्डिंग में करना है, हमें वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करके करना है. तो देखिए, तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज बनाते हैं. तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितना था हमारा 1975. ये हमारी वर्डिंग होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट. गर्ल्स आर, गर्ल्स कितनी हैं, तो गर्ल्स है हमारी 898. अब देखिए
difference, D-I-F, difference between student and girls. देखिए क्या करेंगे हम, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. तो देखिए किया हमने, ये हमने जो नॉर्मल मेथड था उसको अप्लाई किया. अब हमें 5 में से 8 को लेफ्ट करना है. 5 में से 8 हो नहीं सकता जैसे कि अपन को पता है. तो क्या करेंगे, 1 कैरी लेगा तो ये क्या हो गया 15. 15 में से 8 लेफ्ट करते तो कितना बचता है. तो देखिए 15 में से 8 लेस करते तो कितना लेफ्ट होता है, जैसे कि आपको पता है हमें 7 लेफ्ट होता है. तो हमने यहाँ 7 लिखा. अब क्या किया हम, अब ये 7 था लेकिन इसने कैरी इसको उधार दे चुका है तो क्या हुआ 6 हो गया. 6 में से 9 लेफ्ट करना है तो 6 में से 9 हम लेफ्ट कर नहीं सकते. तो क्या करेंगे हम, वापस से कैरी वाला मेथड अप्लाई करेंगे. तो कैरी कितना हुआ 16. 16 में से 9 लेफ्ट करते तो कितना होता है 7. अब हमें 9 में से ऐड करना, लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखो हमने कैरीज को दे चुके हैं. तो कितना हो गया 8. 8 में से 8 लेफ्ट करते तो 0, ये 1 एज इट इज. ऐसा कैसा, ये आपका क्या हो गया नंबर ऑफ, ये किसकी कैलकुलेशन करी हमने, ये बॉयज की करी, नंबर ऑफ बॉयज. देखिए कितना हुआ 1077. अब आपको चेक करना है कि आपके ये नंबर सही है या गलत है. तो आप क्या करोगे, पहले गर्ल्स बॉयज टोटल स्टूडेंट देखिए गर्ल्स कितनी है आपकी 898. बॉयज कितने हैं आपके, बॉयज हैं आपके 1077. तो बच्चों ये सीक्वेंस हमने चेंज करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स का, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो नंबर हमेशा ऊपर आता है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो नंबर हमेशा नीचे आता है. तो बॉयज 1077, गर्ल्स कितनी थी 898. अब इनको ऐड किया तो कितना हुआ 7 में, अगर 8 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 15. तो हमने लिखा 15. 1 कैरी यहाँ ऐड करी, अभी कितना हो गया 8. 8 में 9 ऐड करते तो कितना हो जाता है 17. 17 लिखा, 1 कैरी यहाँ ऐड करी, 8 में 1 ऐड करते कितना 9 और 1. ये है आपका आंसर. हमने पहले जो हमारे स्टूडेंट थे ये हमारा आंसर है. ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या पूछा है, सेकेंड में बोला है देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 2784. The village has only farmers and weavers. 1238 of the people are weavers. Then how many farmers are there? क्वेश्चन में बोला गया है कि गांव की जो टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी है 2784 है. इसमें क्या खाली गांव में कौन है, या तो फार्मर्स है या वेवर्स है. अब वेवर्स की क्वांटिटी कितनी है, वेवर्स की क्वांटिटी है 1238. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फार्मर्स कितने हो, यानी इस गांव में टोटल जो पॉपुलेशन उनमें से हमें फार्मर्स का कैलकुलेशन करनी है. तो इसी की भी हम वापस से लैंग्वेज बनाएंगे. तो देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में पहले लिखेंगे हम टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिखेंगे हम टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू कितना था 2784 वेवर्स. वेवर्स कितने थे बच्चों, वेवर्स थे हमारे 1238 यानी 1238. ये हमारे कौन थे, ये हमारे वेवर्स हैं. तो हमें किसके कैलकुलेशन करनी है, हमें फार्मर्स की कैलकुलेशन करनी है. तो वो सेम प्रोसीजर, जितने भी पॉपुलेशन है वो क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, रखा हमने अच्छे से. अब वेवर्स की क्वांटिटी वो नीचे रखेंगे. तो कितनी थी वेवर्स की क्वांटिटी 1238. अब इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे. तो देखिए 4 में से हम 8 लेफ्ट करेंगे तो हो नहीं सकता. तो क्या करेंगे, 4 में से क्या करेगा 1 कैरी लेगा तो कितना लेफ्ट हुआ 14. में से 8 लेफ्ट करेंगे तो कितना हो गया हमारा 6. तो हमने 6 लिखा. अब इसको एक कैरी देने के बाद में कितना हो 7. 7 में से 3 लेस करते तो कितना होता है 4. 4 लिखा हमने. अभी कितना हो गया ये 7, क्योंकि इसने कोई कैरी किसी को दी नहीं है. तो 7 में से 2 लेस करते हैं तो कितना 5. 2 में से 1 लेफ्ट करते हैं तो कितना 1. तो ये किसकी क्वांटिटी है, ये आई है फार्मर्स की. तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ
फार्मर्स, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो फार्मर्स इक्वल टू दिस। तो फार्मर्स इक्वल टू कितना, 1546। तो ये किसकी क्वांटिटी हो गई, ये आपकी फार्मर्स की क्वांटिटी हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर सही है या गलत है, तो वो सेम प्रोसीजर करेंगे हम। क्या करेंगे हम, जो नंबर ज़्यादा, जैसे फार्मर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम फार्मर को ऊपर रखेंगे। वेवर्स कितने थे, 1238, 1238। अब इनको ऐड करेंगे, कितना हुआ, 14, 7, 8, 7, 2। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी है, ये हमारी इक्वल टू आंसर के अकॉर्डिंग हो गई है, तो आपका आंसर सही है। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मैंने 1, 2 आपको इससे करवा दिया। थर्ड देखिए, ए ट्रक कैन होल्ड 6000 एप्पल्स, 2700 एप्पल्स आर ऑलरेडी देयर इन द ट्रक, हाउ मैनी मोर एप्पल्स कैन बी पुट इन द ट्रक। अब क्या कहा गया कि एक ट्रक जो है वो कितनी एप्पल्स को होल्ड कर सकता है, यानी कितनी एप्पल्स वो अपने अंदर रख सकता है, तो वो रख सकता है 6000। अब उसमें से 2700 यानी 2700 एप्पल्स पहले से उसमें लोड कर दी गई, यानी रख दी गई। अब कितने एप्पल और रख सकते हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों मैं लैंग्वेज आपको बोल देती हूँ, करना आपको खुद है। तो देखिए कैसे करना है, ट्रक कैन होल्ड एप्पल्स इक्वल टू कितना, 6000 एप्पल्स आर ऑलरेडी पुट इन ट्रक दैट इज इक्वल टू 2700। फिर क्या करोगे, इनकी दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद में क्या होगा, एप्पल दैट कैन बी पुट इन ट्रक, वो क्या हो गया आपका, जो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि मैंने लैंग्वेज में आपको करवा रखा है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जितेंद्र हैड रुपीज 9000 विथ हिम, ही बोट ए फैन फॉर रुपीज 8918, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। जितेंद्र के पास क्या था, 9000 रुपीज़ था, जिसमें से उसने 8918 रुपीज़ का फ़ैन परचेज किया। अब उसके पास कितनी मनी लेफ्ट रही, तो वो आपको लैंग्वेज देखो किस प्रकार से बनानी है, आपको लैंग्वेज बनानी है, रुपीज़ जितेंद्र हैड इक्वल टू 9000, कॉस्ट ऑफ ए फैन तो कितनी हो गई, 8918 इक्वल टू दिस वन 8918, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, रुपीज़ लेफ्ट विथ हिम इक्वल टू दैट रुपीज़, तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर्स के अंदर क्या करना है, डिफरेंस पता करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम नोटबुक में करते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट हमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर क्या है, 9000 ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए 9999, ये आपके 4-डिजिट की क्या है, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4-डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है। अब करना आपको स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर क्या होता है, 100, तो आपने 100 लिखा। अब इन दोनों का आपको सब्ट्रैक्शन करना, तो देखिए कैसे करना है, वही सेम मेथड अपना जो अभी करते आ रहे थे हम, वही है। देखिए 9 में से 0 लेफ्ट किया तो कितना हुआ, 9। 0 को अगर आप किसी आप नंबर में ऐड करते हो तो जो आपका नंबर होगा वही आएगा, अगर 0 को आप किसी से लेफ्ट करते हो तो जो आपका एक्चुअल नंबर है वही आपके पास आएगा। तो 9 में से 0 लेफ्ट किया तो कितना हुआ, 9। 9 में से 0 लेफ्ट किया, 9। 9 में से 1 लेफ्ट किया, 8। 9 में से कुछ है नहीं तो 0 मान सकते हैं, पर 9 में से 0 लेफ्ट किया, 9। तो आपका आंसर क्या है, ये आंसर, ये क्या है, डिफरेंस। आप लैंग्वेज लिखोगे डिफरेंस बिटवीन 4-डिजिट नंबर एंड 3-डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 9899, यह आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का करना है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन देखिए, दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज 5098, इफ वन ऑफ देम इज 3215, फाइंड द अदर नंबर। अब आपको क्या करना है, सम
क्या किया, दो नंबर्स की सम बताइए, टू नंबर्स की सम है जिसमें से वन क्या है, दिस वन। अब आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो वो ही सेम प्रोसीजर। वर्डिंग देखिए, वर्डिंग ये रहेगी, दिस सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू दिस नंबर, वन ऑफ देम इज दिस एंड द अदर नंबर इज। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको नोटबुक में करवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ गए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा है अगले ने, अगले ने कहा है दिस सम, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स, देखिए वो क्या है, वो है 5098। द वन ऑफ देम इज वन सम, सॉरी वन नंबर ऑफ देम इक्वल टू 3215। अब यहां लिखेंगे अदर नंबर, अदर नंबर देखिए वही सेम प्रोसीजर, इसको लेफ्ट करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। देखिए 8 में से 5 लेफ्ट किया तो कितना हुआ 3, 9 में से 1 किया 8, 0 में से 2 किया हो नहीं सकता, तो 0 क्या करेगा कैरी लेगा, कितना हो गया 10, 10 में से 2 लेफ्ट किया तो 8, ये कितना 4, 4 में से 3 लेफ्ट किया 1। तो अभी आपका जो एक्चुअल आंसर है, आंसर इक्वल टू कितना, द अदर नंबर, नंबर इक्वल टू 1883, ये आपका आंसर है। सिक्स क्वेश्चन का आंसर आपका इस प्रकार से, आप क्वेश्चन नंबर 87। तो देखिए 7 क्वेश्चन देखिए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5107 टू मेक इट इक्वल टू 7000। अपन 5107 में इतना क्या ऐड करें कि हमारे किसके इक्वल हो जाए 7000 के, तो वो सेम प्रोसीजर देखिए, इसको सीधा सा करना है, 7000 को किससे लेफ्ट करेंगे 10, देखिए तो आंसर क्या, 0 में से 7 लेफ्ट किया तो कितना हुआ, नहीं कर सकते तो क्या करेगा कैरी लेगा, 10 हो गया, 10 में से 7 लेस किया तो 3, ये कितना हो गया 9, तो 9 में से 0 लेफ्ट किया तो कितना हुआ 9, ये भी कितना है 9, 9 में से 1 लेफ्ट किया तो कितना हुआ 8। अब ये इसको कैरी दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, तो एक्चुअल में कितना हो गया 6, 6 में से 5 लेस किया तो 1। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर है ये इसमें ऐड कर दोगे। तो देखिए हम करते हैं अभी, देखिए कितना होता है, 7 में 3 लेस किया तो कितना हो गया 0, एक कैरी यानी 10 हो गया एक्चुअल में, तो 10 का 0 लिखा, 1 कैरी हमने साइड में रखी, 0 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया 9, लेकिन 1 कैरी हमारे पास ऐड की तो कितना हो गया 10, वापस से 1 साइड में रखा हमने जो कि हमारी कैरी थी, 1 में 8 ऐड किया तो कितना हुआ 9, लेकिन हमारी कैरी ऐड करने के बाद कितना हो गया 10, लेफ्ट हमने साइड में रखा है 1 कैरी, 5 में 1 ऐड किया 6, एक कैरी ऐड करी तो 7, तो आपका आंसर 7000 एकदम से करेक्ट है। अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखिए, बाई हाउ मच इज 9287 ग्रेटर देन दिस वन, ये जो नंबर है 9287 ये 7590 से कितना ग्रेट है, तो वो सेम प्रोसीजर बच्चों वो ही रहेगा। देखिए यहाँ आपको मैं करके बताती हूँ आपको क्या करना, जो आपकी बड़ी डिजिट है उसमें से जो कम वैल्यू की डिजिट है उसको लेफ्ट कर देंगे, तो कितना था अपना, अब इसको हमने लेफ्ट किया तो 718 में से 9 गया, यानी कि 8 था, 8 में से 9 लेफ्ट कर नहीं सकता कैरी नहीं, तो 18 हो गया, 18 में से 9 लेफ्ट किया तो कितना 9, अब 11 में से 5 प्लेस किया तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 8, 8 में से 7 लेफ्ट किया तो 1, तो आपका आंसर आ चुका है। इस आंसर को अगर इन दोनों के साथ में ऐड करते हो तो आपका यही आंसर आएगा। तो ये था आज आपका क्वेश्चन आंसर, तो आपको क्या करना है, आपको आज अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क मैंने क्वेश्चन आपको करवाई है, ये तो आप एज इट इज करोगे ही, और क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ मैंने आपको दिया है वो आपको करना है, और एक्सरसाइज डी का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया है उस बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को करोगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वंडरफुल वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट एंड हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।